हाँ तो रोहतो, इस वीडियो के अंदर हम एमी ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में, यानी कि 17 ईयर्स इस कंपनी को चलते हुए हो चुके हैं। अब ये कंपनी काम क्या करती है? तो देखिए, ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा ये जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट, यानी कि जो एपीआई होते हैं फार्मा प्रोडक्ट के, वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स का जो मटेरियल होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी काफ़ी अच्छा खासा इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, देखिए गुजरात में उनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एक है सचिन में, दूसरी है अंकलेश्वर में और तीसरी है जगाड़िया में। और जो टोटल यहाँ पे इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 6060 MTPA है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। अब ये देखिए, अगर अभी देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने 450 फार्मा इंटरमीडिएट को डेवलप कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, और उसके अलावा 17 की थीरोपेटिक एरिया, यानी कि एंटी रेट्रो वायरल हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया, तो ये हर तरह तरीके के यहाँ पे कंपनी ने फार्मा इंटरमीडिएट डेवलप कर रखे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी के अभी 150 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा कंपनी के अभी टोटल कस्टमर्स हैं। और उसके अलावा कंपनी के इंटरनेशनल कस्टमर्स भी है, यानी कि कंपनी अपना जो माल है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, उसको आउट ऑफ इंडिया में भी एक्सपोर्ट करती है। अगर आप अभी देखोगे 25 कंट्रीज में कंपनी का प्रोडक्ट जाता है, जिसमें जो मेन यूरोप, USA, चाइना, इजराइल, जापान, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी हमें नजर आता है। अगर कंपनीज की बात करें, लॉरस लैब, कैडिला, सीपला, जो मेन कंपनीज फार्मा में लिस्टेड हैं, वो भी इनकी कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी की ताकत क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सर्टेन फार्मा इंटरमीडिएट है उसकी ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। जैसे कि अगर आप देखोगे ट्रेजोडोन, एंटाकोपॉन, उसके अलावा नींटीडेनिप एंड रिवेरक्सेबिन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर इतने फार्मा प्रोडक्ट का अगर ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, अगर इनकी एकदम से अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका सोल बेनिफिशियरी हमें इस कंपनी का, मतलब उसका अच्छा बेनिफिट हमें इस कंपनी के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बता दिया कि 450 से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है, 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो जाता है। अब जो कंपनी की जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हैं, सेल्स है, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ये कंपनी IPO लेकर क्यों आ रही है? तो देखिए, कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ कंपनी ने ली हुई है, तो उसका कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है, और उसके अलावा जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी कंपनी फुलफिल करना चाहती है। तो ये मेन रीज़न यहाँ पे इस IPO का है। तो देखिए, ये IPO पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि पूरा यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे, यहाँ पे कुछ पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए भी यूज होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो हमें जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमें केमिकल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जो चाइना ने केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें ये कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। अगर प्रॉफिट के नंबर की बात करें तो 3 साल से ये नंबर भी हमें अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेट मार्जिन की बात करें तो नेट मार्जिन परसेंटेज भी यहाँ पे हमें हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, 15% से ऊपर का अगर मार्जिन परसेंटेज है, मेरे ख्याल से अच्छा है। और अभी कंपनी के ऊपर 136 करोड़ का डेट है। कितना? 136 करोड़ का। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो निकल कर आता है 0.82। तो 1 से कम अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो उसका भी यहाँ पे कोई इश्यू कंपनी के ऊपर नहीं है। और जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से कंपनी धीरे धीरे अपना डेट भी कम कर देगी और आने वाले टाइम पे ये नेट मार्जिन परसेंटेज हमें 20% के लगभग भी जाता हुआ नजर आ सकता है।
अब हम यहाँ पे आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 1 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा, 3 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की यहाँ पे फेस वैल्यू है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मार्केट लॉट है, अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करें तो 610 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 24 शेयर्स हैं। अगर हम इश्यू साइज की बात करें तो 569 करोड़ का यहाँ पर ये आईपीओ है, इसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए जो कंपनी अपना जो डेट है वो चुकाएगी, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगी। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो यहाँ पे 369 करोड़ का है, और अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे अपना 6% स्टेक बेचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आफ्टर आईपीओ उनका जो स्टेक होगा कंपनी में वो निकल कर आएगा 41%। अब देखिए, 1 से 3 तो मैंने आपको बता दिया, 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, 9 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और 14 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब अगर आपको इसमें एक लॉट के लिए अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके पास 14,640 रुपीज होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आपके पास 1,90,320 रुपीज होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में लगा सकते हो। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखिए, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 17.14, तो अगर हम इसका जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर अगर हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो वो निकल कर आता है 35.6। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यूएशन ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, इनका जो कंपनी के शेयर का प्राइस है वो फेयरली वैल्यूड है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो केमिकल कंपनीज परफॉर्म कर रही है मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में ये कंपनी और ऐसी ग्रोथ दिखा सकती है, वैल्यूएशन के मुझे यहाँ पे कंसर्न नजर नहीं आते। और खास करके जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो काफी अच्छा है, 32.35% का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। देखिए, मार्केट ने हमने देखा है कि जब किसी भी कंपनी का 25% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है मार्केट वहां पे बहुत उसे पसंद करता है, और वही मुझे यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, कंपनी का भी डेट भी है 136 करोड़ का, और जो भी कंपनी आईपीओ से फंड रेज कर रही है मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 करोड़ का वो यहाँ पे अपना डेट कम करेंगे, तो अगर 90 करोड़ का अगर इनका डेट होता है तो आने वाले टाइम पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ का नंबर हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ये नंबर 52.99 पे, यानी कि जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है वो अराउंड 11 टाइम्स निकल कर आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पर्सनली कोई इश्यूज मुझे नजर नहीं आते हैं, तो अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन की, तो देखिए आईपीओ छोटा है, 570 करोड़ के लगभग का आईपीओ है जिसमें से 35% ही रिटेल कोटा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 170 करोड़ का रिटेल कोटा कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ अगर अच्छी खासी डिमांड रहती है मार्केट में, क्योंकि अभी 4 IPO डिस्काउंट पे लिस्ट है तो मार्केट का थोड़ा आईपीओ मार्केट में इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है। तो देखिए, अगर अच्छी खासी डिमांड रहती है तो मुझे लगता है कि 100 टाइम्स ये आईपीओ आराम से हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और अगर लॉन्ग के लिए भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है विजय डायग्नोस्टिक के कंपैरिजन में ज्यादा डिमांड इस आईपीओ की होने वाली है। रोहित, मैं होप करता हूं कि एमी ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।